पालघर के केव गांव में सोमवार को संभावित हीट स्ट्रोक से 16 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। वेजपाड़ा की रहने वाली अश्विनी विनोद रावते को अर्धचेतन अवस्था में एक कृषि क्षेत्र में पाया गया और उसे मनोर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना तब हुई जब रावते सोमवार को अपनी कक्षा 11 की परीक्षा समाप्त होने के बाद घर लौटी थी। वह मनोर में एसपी मराठे विद्यालय और जूनियर कॉलेज में पढ़ती थी। एक बार जब वह घर पहुंची, तो उसके माता पिता घर पर नहीं थे, इसलिए वह उन्हें खोजने के लिए बाहर निकल गई। अपनी माँ की तलाश में वह अपने कृषि क्षेत्र में गई, लेकिन उसकी माँ कपड़े धोने के लिए नदी पर गई थी और उसके पिता कुछ घरेलू आवश्यक सामान खरीदने के लिए मनोर के साप्ताहिक बाजार गए थे। घर पहुंचने के बाद रावते की माँ ने उसके कॉलेज बैग को देखा। उसे गांव से करीब 11 किलोमीटर दूर मनोर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। सोमवार से पालघर जिले में उच्च तापमान देखा गया है। कोसबा दहानू में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के स्वचालित मौसम स्टेशन ने सोमवार को 39.3 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 37.4 डिग्री सेल्सियस का उच्चतम तापमान दर्ज किया। हालांकि पालघर जिला प्रशासन ने तापमान में संभावित वृद्धि के बारे में कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, जो इस महीने के सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होने का अनुमान है। सिविल सर्जन डॉक्टर रामदास मराड ने कहा कि हीट स्ट्रोक का कोई मामला सामने नहीं आया और न ही अश्विनी का मामला मनोर के ग्रामीण अस्पताल में दर्ज किया गया। मनोर थाने के पुलिस इंस्पेक्टर सतीश शिवकर ने भी कहा कि 16 वर्षीय लड़की की मौत के संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।